सराहना करते हैं आपकी बुद्धिमता की देवी हम, परंतु संभवतः आप थोड़ी भ्रमित हैं। हमारे राज्य में ऐसे कई विद्वान हैं जो आपसे अधिक बुद्धिमान हैं और आपको पराजित कर सकते हैं। हमें पूर्ण विश्वास है महाराज, यहाँ ऐसा कोई भी नहीं है। यदि आपको लगता है कि आपके राज्यसभा में ऐसा कोई भी है जो बुद्धिमत्ता में हमें परास्त कर सके, तो हम स्पर्धा के लिए प्रस्तुत हैं। हम यहां सभी को शास्त्रार्थ के लिए चुनौती देते हैं। कि कोई आए और हमें हराए और आपकी बात को सिद्ध करे, ये ज्ञान का युद्ध होगा। उचित है, यदि ऐसी बात है तो महाराज क्षमा कीजिए। हमारे विचार से आनंद तो तब है जब दो समान ज्ञानियों में प्रतिस्पर्धा हो। गुरुजी, अगर इस देवी ने आपको हरा दिया ना, तो आपकी जो प्रतिष्ठा है ना, समाप्त हो जाएगी। गुरुवर, परंतु महाराज, हमारे लिए तो ये सब मोह माया है, हमें तो इस सब से परे ही रखिए महाराज। उचित है, तो ठीक है, हम पंडित रामकृष्ण को नामांकित करते हैं आपसे प्रतिस्पर्धा करने के लिए। वो आपको इस ज्ञान के युद्ध में परास्त करेंगे। हमें स्वीकार है महाराज। तो ये तय रहा, कल रात दरबार में पंडित रामकृष्ण और मोहिनी देवी के बीच में प्रतिस्पर्धा होगी, जहां पंडित रामकृष्ण आपको परास्त करेंगे। किंतु महाराज, यदि हमने पंडित रामकृष्ण को पराजित कर दिया तो ले, तू तो फिर फंस गया रामा, जल्दी कुछ बोल। महाराज, मैं पंडित रामकृष्ण की ओर से हम आपकी चुनौती स्वीकार करते हैं देवी। पराजित होने का परिणाम क्या होगा महाराज? आप बताइए। यदि हमने पंडित रामकृष्ण को शास्त्रार्थ में पराजित कर दिया तो 41 दिवस तक उन्हें हमारे दास बन के रहना होगा। और यदि पंडित रामकृष्ण ने आपको परास्त कर दिया तो? यदि ऐसा हुआ तो वही होगा जो पंडित रामकृष्ण कहेंगे। ये क्या हो गया, इतना अच्छा अवसर खो दिया हमने। पुनः अवसर पंडित रामकृष्ण को मिल गया। गुरुजी, हमें पंडित रामकृष्ण में पूर्ण विश्वास है। क्यों? यही कि पंडित रामकृष्ण मोहिनी को अवश्य प्राप्त कर देगा। तो तेरा ये शास्त्रार्थ होगा महाराज, परंतु ये शास्त्रार्थ संपन्न कैसे होगा? गुरुवर जी, महाराज आप इस राज दरबार के राज पुरोहित हैं, तो आप ही इस शास्त्रार्थ की रूपरेखा निर्धारित करेंगे। ये दायित्व आपका हुआ। स्वीकार है महाराज, आपके आदेश का पालन होगा। आचार्य तथाचार्य इस शास्त्रार्थ की रूपरेखा निर्धारित करेंगे और कल प्रातःकाल ये शास्त्रार्थ यहीं इस राज दरबार में होगा।
चिंता मत कर रामा, थोड़ी सी तैयारी कर ले, तू ये शास्त्रार्थ में अवश्य विजयी होगा। महाराज, यदि आप अनुमति दें तो मैं प्रस्थान करूं, कल के शास्त्रार्थ की तैयारी करनी है। अवश्य पंडित, चाहिए जी। प्रणाम। प्रणाम देवी जी। प्रणाम महाराज। मोह गुरुवर। मोह माया, सब मोह माया है महाराज। सभा आगे बढ़ाई जाए। अरे, ये तो समस्त राज्यों के महान प्रकांड पंडित हैं, परंतु ये इस दशा में क्यों है? प्रणाम महापंडित श्रीधर, आप सभी को मेरा प्रणाम। आप जैसे महापंडितों को अपने समक्ष देखना तो मेरे लिए सौभाग्य की बात है, परंतु क्षमा करें, क्या मैं पूछ सकता हूँ, आप जैसे महापंडित विद्वानों की ये दशा कैसे हुई और किसने की? हमने। पंडित रामाकृष्ण, ये सारे पंडित हमारे सेवक हैं। देवी, ये तो प्रकांड पंडित हैं, आदर और सम्मान के अधिकारी हैं। ये सारे पंडित हमारी पालकी उठाते हैं, क्योंकि हमने इन्हें शास्त्रार्थ में परास्त किया है। रामा, ये सब तो समस्त राज्यों के महाज्ञानी हैं, इनकी ये दशा कर दी है इस मोहिनी ने। कितनी घमंडी है और असमंजस व्यवहार है इन पंडितों के प्रति। पंडित रामाकृष्ण, क्या हम जान सकते हैं कि आप सोच क्या रहे हैं? चलिए हम ही बता देते हैं। क्या आप इन 8 महान पंडितों को देखकर आश्चर्यचकित तो नहीं हो रहे हैं? आइए हमारे साथ। हमारे सेवक केवल वो नहीं है जो हमारी पालकी उठाते हैं, और भी कई हैं। देखिए वहां। ये सारे पंडित हमारे बुद्धिमत्ता के साक्षी हैं। इन सबको हमने ज्ञान की प्रतिस्पर्धा में हराया है। पंडित रामाकृष्ण, आप चिंतित ना हो, आपको हम हमारी पालकी उठाने का अवसर देंगे। रामा, तुझे तो इस स्पर्धा में अवश्य विजयी होना पड़ेगा, अन्यथा 41 दिवस पालकी उठाना पड़ेगा। हाँ बंधु, मुझे ये शास्त्रार्थ किसी भी हालत में जीतना ही होगा। किसी भी और स्पर्धा से अधिक मुझे इसमें विजय होना आवश्यक है, और ये स्पर्धा मैं इन पंडितों और ज्ञानियों के लिए जीतूंगा जिनका स्त्री ने इस तरह से अपमान किया है। नृत्य प्रारंभ किया जाए। समय पूर्व आप नेत्र मुद्रा में हंस रहे थे, तो फिर चीखे क्यों? हाय, मोहिनी जैसी विश्व सुंदरी के हाथों अंगूर सेवन करने का आनंद ही कुछ और है, परंतु सारा आनंद भंग कर दिया ये लंगूर रामा कृष्णा।
स्वप्न में भी हमारा पीछा नहीं छोड़ रहा है। स्वामी क्या हुआ, आप मौन क्यों हैं? कोई दूसरा स्वप्न देखा? हमने स्वप्न में अत्यंत सुंदर नारी अति सुंदर दामी वरम की साड़ी आपके लिए लाए थे, तदुपरांत हमने देखा वो साड़ी किसी और ने धारण की हुई, तो हम चीखे। कौन है वो जिसने स्वप्न में हमारे अधिकार का हनन किया? धनी, धनी ने वो साड़ी धारण कर रखी थी। धनी ने? परंतु आप किंचित भी चिंतित ना हो रहे हैं, वो स्वप्न था। यथार्थ में हम न धर्मियों को आपकी साड़ी कदापि नहीं ले जाने देंगे। हम तो आपके स्वप्न में आकर ही धन्य हो गए स्वामी, आपकी बहुत कृपा है हम पर, हम अभी भगवान को नैवेद्य चढ़ा कर आते हैं। जाइए। क्यों प्रभु, स्वप्न में साड़ी थी या साड़ी के संग विश्व सुंदरी नारी? इधर आओ जी गुरु जी। सारा आनंद भंग कर दिया इस रामा ने। यदि कल वो शास्त्रार्थ जीत गया तो उसकी ख्याति पुनः बढ़ जाएगी, महाराज के दरबार में नायक बन जाएगा वो। तत्पश्चात मोहिनी वो अधर्म में ना जाने क्या क्या करवाएगा मोहिनी से। गुरुजी आप मोहिनी को कम मत समझिए, मोहिनी ने ना जाने कितने प्रकांड पंडितों को धूमिल करके अपना सेवक बनाया है। हुआ गुरुजी जो आपकी प्रतिस्पर्धा उस मोहिनी देवी के साथ नहीं हुई, अन्यथा वो तो आपको निश्चय ही पराजित कर लेती और आपको उठानी पड़ती उसकी भारी भरकम पालकी। सोचिए गुरुजी, आपसे तो जल का पात्र भी नहीं उठाया जाता। गुरुजी फिर तो आपको विजयनगर छोड़ के जाना पड़ता और कहीं और आपको अपना डेरा जमाना पड़ता। जी गुरु जी। महारानी तिन्ना देवी, महारानी तिरुमलम्बा, ये किस प्रकार का व्यवहार है? हम जैसी रूपवती विदुषी पत्नी होते हुए भी आपको प्रेम का अर्थ नहीं पता? वो रूपवती मोहिनी के समझाने के पश्चात तो आपको सब समझ में आ गया होगा। महारानी? महारानी नहीं, अब सारे अर्थ परिभाषा तात्पर्य संदर्भ वही बताएगी आपको। परंतु क्या आपको हमसे प्रेम प्राप्त नहीं हुआ? वाह, परंतु परंतु प्रेम का अर्थ समझ में नहीं आया है ना? परंतु मोहिनी के समझाने पर तो सब समझ में आ गया होगा है ना? आप हमारी बात तो सुनिए महारानी। आप हमारी बात सुनिए महाराज, अब हम आपको दिखाएंगे नवरस। नवरस होते हैं ना प्रेम में? जी। ये मोहिनी ने भेंट की थी ना आपको? जी। परंतु इसमें श्रृंगार रस नहीं है। महारानी तो ये था श्रृंगार रस। देखिए महारानी, आपसे समझने में कदाचित कोई भूल हो रही है। भूल हमसे नहीं आपसे हो रही है। आप दोनों हंस क्यों रही है? महाराज हम हंस नहीं रहे, हम आपको हास्य रस से परिचित करवा रहे हैं। कि आप हमारी बात तो सुनिए, हम तो आप सुनिए, जब हमने पहली बार मोहिनी के बारे में सुना तो हमें अद्भुत रस की अनुभूति हुई। तत्पश्चात हमने देखा कि आप उस सुंदरी मोहिनी से प्रभावित हो गए तो हम भयभीत हो गए। रानी चिन्ना देवी भयभीत हो ना, रूप दिखाने का आगे अवसर मिलेगा, अभी भयभीत हो ये भयभीत। तत्पश्चात जब हमें पता चला कि हम मोहिनी के उत्तर से अति प्रसन्न हैं, तब हमें विभत्स रस का अनुभव हुआ, घृणा हुई हमें। तत्पश्चात हमें पता चला कि आपने पंडित रामकृष्णा के साथ मोहिनी का शास्त्रार्थ रखा है ताकि वो पुनः राज्यसभा में आए और आप पुनः उन्हें देखें। ये सुनकर हमें क्रोध हो गया। महारानी रौद्र रस, फिर हमें स्मरण हुआ वीर रस का, वो भी दिखाएं आपको। जी इसकी क्या आवश्यक, क्षमा क्षमा
क्षमा महारानी तिरुमलम्बा और आप दोनों शांत रस का अनुभव करें। शांत हो जाइए महारानी तिरुमलम्बा। नहीं, आज हम महाराज को समस्त रसों का रसस्वादन करवाएंगे। महारानी, अब सारे रस अनुभव कर लिए आपने? जी, पूर्ण रूप से कर दिया, पूर्ण रूप से। धन्यवाद। परंतु आज के बाद आप हमारे कक्ष में कदापि नहीं आएंगे, और यही आपका दंड है। हाँ, चलिए। सत्य कहा है किसी ने, जब अर्धांगिनी मारे प्रश्नों के टंक, बोलती हो जाए बंद चाहे राजा हो या रंक। सत्य वचन है। मेरा पुत्र शास्त्रार्थ के लिए कितना परिश्रम कर रहा है। ये ध्वनि कैसी? दंड मुझे क्यों मिल रहा है? ये तो सरासर अन्याय है रामा। न्याय जाके महाराज से मांग। इसमें महाराज की क्या आवश्यकता है? अम्मा ही न्याय कर देगी। तुझे लात को अध्ययन करने बोला था ना, और तू सो गया था। ये गुंडापा अग्नि में घी क्यों डाल रहा है? इसे चुप करा रामा। गुंडप्पे, तू शांत रहने का क्या लेगा? दंतिया। ये क्या है? गीला वस्त्र है। वो तो मुझे भी पता चल रहा है गीला वस्त्र है, लेकिन सर पे क्यों रखा है? ताकि आपका मस्तिष्क ठंडा हो जाए और आप अपना ध्यान केंद्रित करके अध्ययन कर सके। तुम्हें पता है महाराज कितने अच्छे हैं, कितना स्नेह करते हैं मुझसे। जब भी कोई विकट समस्या होती है ना, तो मेरा ही स्मरण होता है उन्हें। अभी तो तुमने मेरा स्नेह देखा ही कहाँ है। अगर उस महिला को शास्त्रार्थ में नहीं हराया तो इस घर से निकाल दूंगी और लाठी से टांगे तोड़ दूंगी। अयो शारदा, सुना है वो मोहिनी अत्यंत रूपवती है, सुंदर है। ऐसा तो नहीं रामा कृष्णा परास्त होकर स्वयं मोहिनी के साथ जाना चाहते हो? अरे रूपवती हो या ना हो, उससे क्या होता है? क्यों, आपने देखा नहीं उसको? देखा ना। अच्छा, तो दरबार में स्त्रियों को देखने जाते हैं आप? है? अरे वो मेरे समीप आकर खड़ी हो गई थी, इसलिए देखा। समीप? आपको तो आनंद आ गया होगा। आनंद आने वाली कौन सी बात है इसमें? तो आपकी क्या कामना थी, आपको आलिंगन कर लेती? शारदा, वो मुझे आलिंगन क्यों करेगी? अच्छा, तो अब आप आलिंगन करने का कारण ढूंढ रहे हैं? अरे आलिंगन करने का कोई कारण ही नहीं है। तो मतलब बिना कारण वो आपसे आलिंगन कर लेगी? सुब्बा लक्ष्मी, इसमें इतना हास्यास्पद क्या है? शारदा सतर्क हो जाओ। अयो पुरुषों को फिसलने में समय नहीं लगता। मैं पुरुष नहीं हूँ। मेरा मतलब है कि मैं उस प्रकार का पुरुष नहीं हूँ। मोहिनी को? नहीं, भगवान से कह रहे हैं हमें उठा लो। ऐसा जीवन जीकर क्या होगा जहाँ पति ये सोच रहा है कि कोई पराई स्त्री उसे आलिंगन क्यों करे। शुभलक्ष्मी, अब शांति मिल गई आपको? शारदा, ये मूर्खतापूर्ण व्यवहार बंद करो। अम्मा, अब इन्हें हम मूर्ख भी लग रहे हैं।
लोगों के साथ समय व्यतीत करने से तो उचित है मैं उस मोहिनी का दास बन जाऊं। इस समय कौन द्वार खटखटा रहा है? देखते हैं। गुरुवर प्रणाम।